सहजन गर्भवती महिलाओं के लिए एक पौष्टिक भोजन हो सकता है। सहजन की सब्जी खाने का शौक हर किसी को होता है। कोई सहजन की फली की सब्जी खाना चाहता है, कोई पत्तों का सेवन करना चाहता है। वैसे तो प्रेगनेंसी में सीमित मात्रा में सहजन का सेवन करने से कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि आपको कई फायदे मिलते हैं। लेकिन ये बात भी याद रखनी जरूरी होती है कि प्रेगनेंसी के कुछ चरणों में सहजन का सेवन करने की मन ही होती है। जैसे कि प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीना में सहजन की सब्जी खाने से लोग मना करते हैं, तो ऐसे में अपने डॉक्टर से पूछकर ही सहजन का सेवन करना चाहिए। सहजन खाने के कई फायदे आपको मिलते हैं, जैसे पोषक तत्वों से भरपूर। सहजन में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, विटामिन ए और सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। मॉर्निंग सिकनेस से राहत। सहजन में मौजूद विटामिन B6 मॉर्निंग सिकनेस को कम करने में मदद कर सकता है। रक्त शर्करा नियंत्रण। सहजन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि। सहजन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। कब्ज से राहत। सहजन में मौजूद फाइबर कब्ज से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। नुकसान। गर्भपात का खतरा। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि सहजन का अधिक सेवन गर्भपात का खतरा बढ़ा सकता है। आमतौर पर ऐसा प्रेगनेंसी की शुरुआत में अधिक होने की संभावना होती है, इसलिए उन महिलाओं को सतर्क रहना चाहिए जिनका पहले किसी कारणवश गर्भ रुक नहीं पा रहा है। इसके अलावा यदि आपको सहजन से किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी है तो इसका सेवन न करें, क्योंकि कुछ लोगों को सहजन से एलर्जी हो सकती है। गर्भावस्था में सहजन कितना खाना चाहिए। सहजन का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। 1 दिन में 100 ग्राम से अधिक सहजन नहीं खाना चाहिए। सहजन खाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है। सहजन खाने के कुछ तरीके। सहजन की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। सहजन की पत्तियों का सूप बनाकर पी सकते हैं। सहजन की पत्तियों को सुखाकर पाउडर बनाकर दूध या पानी के साथ मिलाकर पी सकते हैं। गर्भावस्था में सहजन खाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है। डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपके लिए सहजन खाना सुरक्षित है या नहीं और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सहजन गर्भावस्था के सभी चरणों में सुरक्षित नहीं हो सकता है। पहले 3 महीनों में सहजन खाने से बचना सबसे अच्छा है। प्रेगनेंसी में आप सहजन के पत्तों का सूप या अन्य रेसिपी बनाकर इसके फायदे को प्राप्त कर सकती है। सहजन की फली की सब्जी के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सहजन के पत्तों की चाय बनाकर भी कई लोग इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो इसके इस्तेमाल से बहुत फायदे होते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेना ना भूले, क्योंकि हर किसी का शरीर अलग होता है और शारीरिक जरूरतें अलग होती हैं, और प्रेगनेंसी में किसी भी प्रकार की कोई गलती करने से बचना चाहिए।